नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिए को प्रज्वलित करना है। दिया को ही साक्षी मानकर हम हर एक पूजा को शुरू करते हैं। अग्निदेव को स्मरण करके, उनका आवाहन करके पूजा को उनके लिए साक्षी मानते हैं कि वो हमारी पूजा के साक्षी हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से सजा लिया है आम के पत्तों से। और अभी देखिए, ये मेरे पास है कुशा की पत्तियाँ, आप देख सकते हैं। और इनको हमें लेना है सात साथ गिलने अच्छी तरीके से। अगर आपके पास कुशा ना हो तो आप धूप भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से उनका आसन बनाना है हमें भगवान का। तो ऐसे रख देंगे इनके ऊपर। और जो हमारी फोटो है, जो हमारे विष्णु भगवान की फोटो है शेषनाग वाली, तो वो हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट कर देंगे, जिनकी हमें पूजा करना है। आप गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं इस समय पर, या फिर आप मिट्टी के भी शेषनाग बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा होती है और वो जो शेषनाग की सैया है उस पर बैठे हैं, विराजित हैं। इस तरीके से आपको उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमने भगवान की पूजा कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें गणेश जी की सबसे पहले पूजा करना है। तो गणपति जी सब सर्वप्रथम होते हैं, तो गणपति जी की हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़े से चावल रखेंगे, क्योंकि हम जो विष्णु भगवान है उनकी पूजा में चावल नहीं इस्तेमाल करते, पर गणेश जी की पूजा में हम उनको चावल जरूर रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हमने चावल रख दिए और यहाँ गणपति जी रख दिए। अब इनके ऊपर हम इस तरीके से जनेऊ भी पहनाएंगे और कलावा भी पहनाएंगे। तो दोनों चीजें हम उनको अर्पित करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हम ये देखिए इस तरीके से, अब हमने कुशा ले ली है थोड़ी सी और हम उन पे जल छिड़काव करेंगे। ओम गं गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अब हम अपने विष्णु भगवान के ऊपर करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और गणेश जी को लगाएंगे। थोड़ा सा हम चंदन भी लगाएंगे और थोड़ी सी श्री भी लगाएंगे। ओम नमः शिवाय, और थोड़े से चावल अर्पित करेंगे, एक पुष्प अर्पित करेंगे इस तरीके से। अब हम अपने दीपक की पूजा करेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पर हमने ले ली हैं इस तरीके से, और दीपक पर भी हम एक फूल अर्पित कर देंगे। अब हम अपने विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। उनको सबसे पहले तो उनको जो प्रिय होता है वो है चंदन, तो हम चंदन से ही टीका लगाएंगे। और माता लक्ष्मी को सिंदूर से, ये देखिए इस तरीके से। अब भगवान को हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित करेंगे। आप यहाँ विष्णु भगवान की अगर मूर्ति हो तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और विष्णु भगवान के सर्व प्रिय होते हैं पारिजात के फूल, तो हम वो उनको अर्पित जरूर करेंगे। वो आप सभी को अर्पित कर सकते हैं, सभी को प्रिय होते हैं वो। तो और अब हम तुलसी अर्पित करेंगे। तुलसी के मेरे पास ये भी है इस तरीके से। और माता लक्ष्मी को हम लाल फूल अर्पित करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ना यहाँ पर कलावा भी अर्पित कर दिया है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को, और चुनरी भी उड़ा दी है। और यहाँ पर जो हमने गणेश जी की पूजा की थी उस पर भी हर श्रृंगार के फूल चढ़ा दिए हैं। अब भगवान को हम फूलों की माला अर्पित करेंगे। तो मैं बस यहीं पर रख रही हूँ उनके लिए, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं आपकी पूजा, वो खुद स्वीकार करेंगे जब, अगर आप भक्ति से भाव से उनकी पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अर्पित कर दिया है। और ये पूरा जो सुहाग का सामान है, ये माता लक्ष्मी को हम डायरेक्ट ही चढ़ाएंगे और सब हम उन पर अर्पित करेंगे, उनको छुपा देंगे।
यहाँ पर भी रख सकते हैं आप। सभी चीजें आप उनको अर्पित करें और आप यहां पर भी उनको रख सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से आप रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे भगवान विष्णु की हमें पूजा करनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अब यहाँ पर जो अनंत है हम वो भी रख देंगे भगवान के सामने और उनकी भी पूजा करेंगे। अनंत भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करें, हमें स्वस्थ रखें, हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रखें। इस पर भी हम धूप अर्पित करेंगे। और हमने जो काले तिल लिए थे, जो काले हमने तिल लिए थे, ये भी हम भगवान को अर्पित करेंगे, शेषनाग भगवान को अर्पित करेंगे। ये देखिए इस तरीके से शेषनाग भगवान को हम अर्पित कर देंगे। काले तिल का बहुत महत्व होता है। इस तरीके से पूजा करनी है। और जो हमारे ये है इस पे भी हम फूल अर्पित कर देंगे और थोड़े से काले तिल भी हम डाल देंगे। और हमने यहाँ पर जल रख दिया था, यहाँ पर हमने जल रखा है आचमन के लिए। आप यहाँ पर कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, पर बहुत लोग कलश की स्थापना नहीं करते, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। बस आपको दीपक जलाकर पूजा करनी है और भगवान के लिए यहाँ जल जरूर रख दें। बस इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। जल आप इस तरफ भी रख सकते हैं और इस तरफ भी रख सकते हैं, पर ये कलश नहीं है। कलश की स्थापना कर रहे हैं अगर आप, तो आपको यहाँ यहाँ पर ही रखना पड़ेगा कलश की स्थापना अगर कर रहे हैं तो। कलश की स्थापना करते समय इसमें आपको 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी डालना है और ऊपर से आम के पत्ते के ऊपर आपको चावल रख देना है या फिर आपको यहाँ पर एक श्रीफल यानी कि नारियल रख देना है। पर मैं सिर्फ यहाँ पर जल रख रही हूँ भगवान के लिए, कलश की स्थापना नहीं है। तो जल हम छोटे पात्र में भी रख सकते हैं, तो हम छोटे पात्र में रख देंगे जल को। ये देखिए इस तरीके से हमें पूजा करनी है पूरी। भगवान को हम मेवे का प्रसाद लगा देंगे और फल का प्रसाद लगाएंगे। पीले फल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, खासकर कि विष्णु भगवान को। ये मैंने कपूर जला लिया है, अब हम दिए को भी पूज लेंगे, प्रसाद रख लेंगे, फूल रख देंगे, थोड़े से चावल छोड़ेंगे और यहाँ पर हमने जो हमारा शंख है उसकी भी हम पूजा करेंगे। शंख की पूजा जरूर करें। और इस दिन आपके पास अगर विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप उसको, विष्णु भगवान को शंख से स्नान जरूर कराएं, शंख में पानी भरकर आप स्नान जरूर कराएं। अब यहाँ भगवान के लिए भी हम जल रख देंगे थोड़ा सा पीने के लिए इस तरीके से प्रसाद के साथ साथ। और हम अपनी आरती कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 कृपा करो भगवान। अब हम आचमन कर देंगे। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और हमारे जो ये है अनंत है, इस समय थोड़ा सा हम यहाँ पर दीपक पर और धूप पर थोड़ा सा दिखा देंगे और फिर आप इसको, जो पुरुष हैं उस इसको दाहिने हाथ में बांधें और जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ पर या फिर बाजू पर बांध सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरी पूजा करना है। अगर आज की ये पूजा विधि आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। तो ये हमारी अनंत चतुर्दशी की पूजा हो गई है। इस तरीके से आप 9 तारीख को अवश्य करें। 9 तारीख को ही आपको अपने गणपति जी का विसर्जन करना है। उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, अगर आप वो ना देखी हो आपने तब जरूर जाकर देख लें जल्दी से। और इसी दिन आपको, अगर आपने संतान सप्तमी की चूड़ी पहनी हुई है तो आप इसी दिन संतान सप्तमी की चूड़ी भी उतार कर रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से पूरी पूजा संपन्न करनी है। बोलो विष्णु भगवान की जय। और अपने जहाँ बैठे हैं वहां पर जल अवश्य छोड़ दें और सिर से लगा लें और आरती अवश्य ले लें, तो आपकी यहाँ जी पूजा संपन्न हो जाती है। पूरे परिवार को आरती जरूर दें, प्रसाद जरूर दें।